हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोसा की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी होती है और साथ ही हमें वीक में एटलीस्ट इसे एक बार खाना चाहिए, क्योंकि ये लेस ऑयल और बहुत ही हेल्दी होती है। तो इसे कैसे बनाते हैं तो चलिए देख लेते हैं। मैंने ये जो बैटर है इसका घर पर ही बनाया है, तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसकी भी रेसिपी दे दूँगी। अभी मैं इसके आलू के जो भी मसाले हैं उन्हें रेडी कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने तोरी और चना दाल ऐड किया है। उसके बाद जैसे ये थोड़े से तरक जाएंगे तो मैं इसमें करी लीव्स ऐड कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें हाफ चॉप्ड अनियन और तीन लगभग हाफ इंच का मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली लिया है, उसे भी मैं इसमें ऐड करके अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। इन्हें हमें थोड़ी देर के लिए सौते करना है, इन्हें ब्लैक नहीं करना है, बट लगभग 1 से 3 सेकंड के लिए हमें सौते करना है। उसके बाद मैं इसमें हाफ टेबल स्पून जो है यहाँ पे सांभर मसाला ऐड करी हूँ। आप चाहे तो इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, बट ये जो सांभर मसाला होता है ना, इससे इसकी टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैश पोटैटो यूज़ किया है। मैंने पोटैटो जब मैश कर दी थी तभी यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दी थी, इसलिए मैं यहाँ पे अभी सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी। तो जब भी आप पोटैटो को मैश करें तभी आप उसमें सॉल्ट ऐड कर लें। अभी हमें इन्हें अच्छे से चलाना है मैश कर करके, ताकि जो ये चंक्स हैं वो सब अच्छे से मैश हो जाएंगे। उसके बाद उन्हें हम ठंडा करने देंगे। अभी मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, नॉनस्टिक पैन है ये। आप चाहे अगर आपके पास लोहे का पैन और तवा हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें मैंने वाइप कर लिया है थोड़ा सा पानी से, आप उसे अच्छे से वाइप कर ले। और मैंने एक लैडर यहाँ पे फुल डोसा बैटर ली हूँ, उसे अच्छे से मैं स्प्रेड कर लूँगी। देखिए जैसे मैं यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ ना, आपको एकदम हल्के हाथों से इसको स्प्रेड करनी है। स्प्रेड करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए पकने दें, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ऐसे ये थोड़ा ब्राउन स्पॉट आने लगेगी ना, उसमें आप बटर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो, अगर आपको बटर की टेस्ट अच्छी नहीं लगती है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं, आप रिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं, बट बटर से टेस्ट ज़्यादा अच्छी आती है। इसे आप थोड़ा टाइम के लिए पकने दें। उसके बाद मैं यहाँ पे आलू को स्प्रेड कर रही हूँ। वैसे तो जनरली अगर आप खाते होंगे तो ये आलू आपको बीच में ही रख करके देते हैं, बट मैं यहाँ पे है ना पूरा स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि हर एक जगह पे जो आलू है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि एक जगह पे रहती है ना तो वो फिर अच्छी टेस्ट नहीं लगती है खाने में। तो मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अभी मैं इसमें अपना एक टच दे रही हूँ, ये जमशेदपुर स्टाइल है। मैं यहाँ पे जमशेदपुर में गई थी तो वहाँ पे मैंने खाया था, तो मैं इसमें थोड़ा अनियन ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे ग्रीन चिली भी ऐड करूँगी। अगर आपके पास गाजर हो तो आप ग्रेटेड गाजर भी इस पर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी टेस्ट आती है। मेरे पास अभी नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। इन्हें आप थोड़े टाइम के लिए पकने दें, और देखिए ये डोसा कितनी क्रिस्पी है। इसने अपने जो जगह है उस जगह से वो उसने छोड़ दिया था, और ये जो है अच्छे से निकल गया है तवे से। तो मैं इसे नॉर्मल जो है ऐसे दबा करके फिर मैं इसे एक प्लेट में निकाल करके रख दूँगी। यहाँ मैं आपको दूसरे तरीके से भी बना के दिखा रही हूँ। मैंने थोड़े से इसे पानी डाल करके ग्रीसिंग कर लिया है अच्छे से। उसके बाद मैंने डोसा बैटर डाल करके अच्छे से स्प्रेड कर ली हूँ, बटर ऐड की, और फिर जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था सेम उसी तरीके से मैं इसमें भी कर रही हूँ। बस जो स्टाइल है इसको फोल्ड करने का वो थोड़ा डिफरेंट है, ट्रायंगल शेप में दे रही हूँ इसे। मैं जो ये रेसिपी आपको बताई हूँ, प्लीज़ आप इस तरीके से एक बार मसाला डोसा बना करके खाइएगा, आपको ये डेफिनेटली बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इसे मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा जो ट्रायंगल डोसा है वो बन करके तैयार है। इसे आप चटनी सांभर के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जिन्हें मेरी रेसिपी पसंद आती है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू सून विथ न्यू रेसिपी। टिल देन बाय, टेक केयर।